भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल केशव गेमर। और आज की वीडियो में पहली बार पबजी लाइट खेलने जा रहा हूँ। तो जैसा देख सकते हैं, ये बंदे जो इसके साथ जिनके साथ मैं खेलूंगा भाई, ये एस पे कभी भाई ये बंदे मेरे को बंदे कहे कि भाई तू बोट लोबी में खेल रहा है, नूब लोबी में खेल रहा है, वहाँ पे जाके बंदे मार के हमें दिखा रहा है भाई। तो पहले दिखा देता हूँ एस लोबी में, क्योंकि भाई मेरे फ्रेंड में कोई कोंकर वोंकर तो है नहीं पबजी लाइट में, इसलिए मैंने उसके साथ भी उसकी लोबी में खेल लेता है ही नहीं इसमें। और बाकी मैं इसमें दिखाऊंगा कि पबजी लाइट भाई पबजी मोबाइल से कितना डिफरेंट है भाई। देख सकते हो कि अभी आप मैच में जब खेलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब पबजी मोबाइल का कोई प्रो प्लेयर जब पबजी लाइट खेलता है तो क्या होता है भाई। देखो पहली बार ही खेल रहा हूँ, सो मैं मैच चालू करने वाला हूँ। देखो मैच चालू हो गया है, तो सारे एस के बंदे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नूब हो। और इनके 4500 प्लस पॉइंट है, मैंने अभी देखे थे इनके जैसे 4500 प्लस पॉइंट्स हैं इनके। तो मैच का मजा लीजिए और देखिए आगे क्या हो। तो जैसे देख सकते हो कि आप ये क्या बोलते हैं भाई, इसमें 30-30 आरपी मैक्स होता है। आप देख पा रहे हो हमारे में जैसे 100 आरपी होते हैं, यहाँ पे 30 आरपी मैक्स होता है। सारे के सारे भाई 30-30 आरपी वाले हैं, क्योंकि भाई ये स्लो भी है। तो देख रहे हो आप जैसे तो मेरे को इतना पता नहीं इन्होंने कहाँ पर ताड़ दे, क्योंकि मैंने कहा भाई यहाँ ताड़ना ताड़ तो इन्होंने वही ताड़ दे। मैं तो मेरे को बस इतना मेरे दोस्तों सुना है कि यहाँ पर स्टेडियम सबसे खतरनाक होता है, फिर भी पता नहीं इन्होंने कहाँ ताड़ दे। चलो देखो आगे क्या होता है। तो जैसा देख सकते हो कि भाई साहब मैंने लूट वूट कर ली, मैंने बस जो उठाया बस उठा गया। यहाँ पर बंदे की आवाज़ आने लगी तो मैं वो करने लग गया, मतलब यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोट बंदों को जाने के लिए बोट फायर दे रहा हूँ, जिससे कि बंदे यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आए और उनके मैं पेल दूँ। सो अभी मैं यहाँ पर इतने बोट फायर दे रहा हूँ कि जिससे कि बंदे जल्दी से आए और मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैं बार बार बच्चा बस वो मार ही लेता पर बच ही गया, बस कैसे न कैसे करके आगे देखते हो क्या होता है। Thank you.
तो उसमें सबसे अजीब चीज़ मेरे को ये लगती है कि भाई मैंने जो पबजी मोबाइल में जब मैं M4 लगा लेता हूँ तो वहाँ पर 4x में मेरा 0 रिकॉइल हो जाता है, और जबकि मैं इसमें चलाता तो मेरा रिकॉइल पता नहीं अजीब सा हो रहा है। तो मेरे को 6x में भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मैंने सेंसिविटी लगा रखी है इसमें डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, मेरी जो सेटिंग है वो मैंने अपनी पबजी मोबाइल वाली जैरो की वो लगा रखी है डिजेड। तो मेरे को लग रहा है इस कारण ये हो रहा हो। वैसे मैंने जब अपने दोस्त के फ़ोन में पहली बार खेला था, मतलब उसके फ़ोन में 4x का रिकॉइल 0 आ रहा था, पता नहीं उसकी सेंसिटिविटी कैसी थी। और जबकि मेरे पे जब कोई से नए फ़ोन में खेलते तो अलग ही सब में खेला नहीं जाता। तो इसमें एक तो चीज़ ये हो गई, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि अगर हम किसी भी को भी मारते तो एम जो होता है हमारा हेड पे ही रहता है, वैसे किसी के हेड के अलावा नहीं जाता। देखो एम बोर्ड बिल्कुल एम बोर्ड की तरह काम करता है। तो ये चीज़ें जो इसमें अजीब सी लग रही है मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखा तो मैंने उसे मार दिया, और फिर देखो आगे क्या करता हूँ मैं। तो जैसा कि देख सकते हो मैं स्प्रे करता यहाँ से नीचे गिर गया। उसके बाद पता नहीं जैसे ही मैंने स्प्रे करा पता नहीं क्या हुआ, मेरे स्प्रे जा रहा था फैन खुल गया। वैसे बंदा यहाँ पर था भी नहीं फिर भी फैन खुल गया था मेरा, ग्लिच पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। ऐसे में यहाँ पर स्प्रे करा था, यहाँ पर ये मर ही जाता हल्का सा, इधर पता नहीं मेरा फैन फिर से खुल गया, पीछे को टिल्ट हो गया, तो ये ग्लिच हुआ मेरे साथ अभी। देखो तो यहाँ पर सबसे ओपी मेरा मतलब नीचे गिरते ही मार दिया अगले को, जैसे नीचे कूद रहा था ऐसे ऐसे मतलब कूदते ही शहीद कर दिया। यहाँ पर सबसे सही सीन लगा मेरे को अपना। तो मैं उसे यहाँ पर मारने की कोशिश करता हूँ पर मेरी नाकाम कोशिश रही क्योंकि मेरे टीम मेट ने अब उसे मार दिया, तो इस कारण से अब जीत गए। जैसे कि हम देख रहे हैं तो पहला मैच खेला है मैंने 13 kill के साथ। तो बताना यार कैसा लगी, और प्लीज़ इसे शेयर करो, और देख सकते हो कि पबजी मोबाइल पबजी लाइट से कितना डिफरेंस है। बहुत ईजी बैठता है पबजी लाइट अगर आप खेलो तो। तो बाय बाय आज के लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.